चलिए आज शुरू करते हैं एक नया सफर माथेरान का, और ये सच में अपने आप में बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। और यहाँ पर आपको इतने सारे व्यू पॉइंट दिखेंगे और टॉय ट्रेन भी आपको दिखेगी। सच में इसे आप एक मिनी स्विट्जरलैंड कह सकते हैं। मॉनसून का टाइम है, देखिए कितना ज़्यादा रिस्की होता है मॉनसून में। और वीडियो में बने रहेगा आपको सारे पॉइंट्स हम और पूरी डिटेल फुल गाइड आज इस वीडियो में देने वाले हैं माथेरान का। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, माथेरान जाने के लिए आपको नीरल रेलवे स्टेशन उतरना पड़ता है, और ये नीरल आपको जो है दादर से लोकल सेंट्रल वाली जो लोकल ट्रेनें चलती है डायरेक्ट नीरल रेलवे स्टेशन जाती हैं। आप यहाँ आराम से दादर कल्याण थाने से आपको ट्रेन मिल जाएगी, जो करजत वाली लाइन है वो नीरल उतरती है। तो और ये देखिए टॉय ट्रेन जो अभी बंद कर दी गई है, जो नीरल से टॉय ट्रेन जो माथेरान तक चलती थी उसको अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। टैक्सी स्टैंड आपको बाहर मिल जाएगा जब आप रेलवे स्टेशन से एग्जिट करेंगे। 100 रुपये टैक्सी स्टैंड वालों का फिक्स किराया है, 100 रुपये लेते हैं ऊपर तक आपको ड्रॉप करने का। लेकिन चलिए आपको रास्ते का भी व्यू दिखाते हैं। जब आप माथेरान की तरफ बढ़ेंगे तो जो व्यू है, ऐसे ऐसे झरने हैं। सच में भाई ये छोटा सा हिल स्टेशन तो है लेकिन इतना खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पे फैमिली या कपल्स के साथ जाते हैं तो आप सच में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है इंजॉय करने वाले हैं। देखिए एक रूट करजत निकलता है, हम घुस गए हैं इस वाले गेट पे, माथेरान वाले गेट पे। अब ये देखिए आपको मैं पूरा रूट दिखा रहा हूँ। और सबसे पहले आपको एक बता दूँ, मानसून में सबसे ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि आपको कोई भी पॉइंट्स भी दिखाई नहीं देंगे। अभी हम मानसून में जा रहे हैं, आप ऊपर ये पहाड़ी देख सकते हैं, क्योंकि मानसून में जो है माथेरान पूरा चारों तरफ से बादलों से घिरा रहता है। आपको एक भी पॉइंट का व्यू नहीं दिखाई देगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, बादल हट गए, तो आप एक दो पॉइंट्स को देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर बाइक से भी बहुत जो है टूरिस्टर आते हैं, और ये देखिए यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर झरने जो है आपको देखने के मिलेंगे। क्योंकि फ़िलहाल अभी हम टैक्सी में हैं तो टैक्सी वाला बीच में कहीं रोकता नहीं। अगर आपका अपना व्हीकल होगा तो आप भाई इस रूट का जो है बीच में भी आनंद उठाते हुए, लुफ्त उठाते हुए आएंगे। ये देखिए टैक्सी वाले ने हमें भी 15 से 20 मिनट लगाए सिर्फ, और टैक्सी वाला हमें लेकर आ गया ऊपर अमन लॉज की तरफ। देखिए अगर आप यहां से एंटर करेंगे तो बच्चे का 25 रुपये का टिकट है और बड़ों का जो है 50 रुपये का एंट्री टिकट लगता है। लेकिन अगर आप पैनोरोमा सनसेट देखना चाहते हैं तो 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, आप सीधा चले जा सकते हैं। उस व्यू को देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगता है। देखिए बारिश हो रही है, बरसात का मानसून का टाइम है, सभी देखें यहाँ पर टिकट ले रहे हैं, और यही एंट्री गेट है, यहीं से चलिए हम भी एंट्री करते हैं। तो देखिए एंट्री करने के बाद आपको सबसे पहले ये जाली ग्रिल दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा स्नेक था, उसको देखने के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी लोग खड़े हो गए थे। और चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। घोड़े खच्चर आप करेंगे, देखिए अगर आप स्टार्टिंग में ही करेंगे तो 1000-1000 रुपये 800-800 रुपये जो है घोड़े खच्चर वाले लेते हैं। लेकिन यहाँ से माथेरान 2 किलोमीटर में आपको सजेस्ट करूँगा आप 2 किलोमीटर पैदल चले जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको 500-600 रुपये में जो है घोड़े मिल जाएंगे, जो आपको 7 से 8 पॉइंट्स जो है वो दिखा देते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए क्योंकि स्टार्टिंग में घोड़े जो है आपको ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे। ये देखिए समय सारणी, क्योंकि अब जो टॉय ट्रेन चलाई जा रही है वो सिर्फ माथेरान से अमन लॉज तक और अमन लॉज से माथेरान, 2 किलोमीटर का ये ट्रैक है। सिर्फ इतने ही रूट पे जो है टॉय ट्रेन चल रही है, क्योंकि नीचे का रूट अभी मेंटेनेंस के कारण बंद कर दिया गया। देखिए वेलकम टू माथेरान, ये एंट्री गेट है, आपको चलिए अंदर लेके चलते हैं। और सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और भाई मॉनसून में माथेरान घूमने का एक अलग ही अपना मज़ा है। अमन लॉज देखिए, रेलवे स्टेशन है अमन लॉज, यहाँ से टॉय ट्रेन चलती है माथेरान के लिए और माथेरान से आती है अमन लॉज के लिए। इसी ट्रैक को पकड़ के आपको सीधा चलते जाना है, 2 किलोमीटर का ट्रैक है। लेकिन इस 2 किलोमीटर वाले ट्रैक पे भी आपको इतने सुंदर सुंदर व्यू और पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, भाई लाजवाब गजब। मैं कह रहा हूँ मज़ा आ गया भाई, मैं उत्तराखंड हिमाचल बहुत घूमा हूँ लेकिन ये भाई माथेरान मुझे सच में बहुत ही औसम जगह लगी। आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ों के बीच से ट्रैक जा रहा है टॉय ट्रेन का, और चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ है, ऐसा लगता है आप किसी अदर कंट्री में जो है आ चुके हैं। और ये देखिए टॉय ट्रेन आ रही है, और आपको टॉय ट्रेन दिखाते हैं। देखिए बहुत धीरे चलती है, और सोचिए अंग्रेजों का बसाया हुआ है ये उस टाइम पे माथेरान, और इसकी भी जो है इस छोटे से हिल स्टेशन की खोज की गई थी, क्योंकि ये पूरा का पूरा अंग्रेजों द्वारा जो है माथेरान बसाया गया है। टॉय ट्रेन देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पर किस तरह देखिए टॉय ट्रेन का जो है लुफ्त उठा रहे हैं। लेकिन मानसून में ट्रैकिंग करने का एक अलग ही मज़ा है, मैं भी आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ देंगे माथेरान जाने से पहले। ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे पॉइंट्स देखिए कितनी ऊंची ऊंची
चोटियां बनी हुई है यहाँ पर। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, बाय रेल आएंगे, अपना व्हीकल भी लेके आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। रिसोर्ट वगैरह आपको बहुत ही सस्ते रेट पर यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन हाँ थोड़ा खाने पीने से आपको जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हर आइटम आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। देखिए अब थोड़ा हम यही ट्रैक पकड़ कर देखिए अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज़ दिखाई है, कोई भी चीज़ मिस नहीं किया। आप ये वीडियो देख लेंगे आप बहुत ही इजीली और पूरा माथेरान जो है आप घूम लेंगे। देखिए और देखिए आगे आपको बता दूँ, 6-7 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको घूमने के लिए घोड़े खच्चर करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही उसे जो है बहुत ईजिली आराम से घूम सकते हैं। मायरा पॉइंट का आपको चलिए भाई व्यू दिखाते हैं, और मायरा पॉइंट का भी जो व्यू है भाई, देखिए इसकी हाइट लिखी हुई है कितनी हाइट है, और ये व्यू देखिए आप सच में भाई गजब एकदम भाई लाजवाब। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ टूरिस्टर देखिए यहाँ पर मायरा पॉइंट पर देखिए लुत्फ़ उठा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप मानसून में आते हैं तो अपने साथ छाता तो देखिए यहाँ पर नहीं टिकने वाला, लेकिन आपको रेनकोट और पन्नी वगैरह आपको यहाँ पर, और आपको जो है प्लास्टिक का कैप भी मिल जाएगा जिससे आपका सर गीला ना हो। 30-30 रुपये का जो है पन्नी वाला रेनकोट मिलता है आपको, बड़े आराम से मिल जाएगा अगर आप भूल गए हैं। और जैसे कि मैंने बताया, देखिए अगर आपको यहाँ पर स्टे करना हो, मोस्टली सबसे ज़्यादा एक नाइट स्टे यहाँ पर जो भी टूरिस्टर आता है वो ज़रूर करता है। भुट्टे वगैरह आपको यहाँ पर देखिए रास्ते में जब आप ट्रैकिंग पे होंगे तो आपको भुट्टे वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत ही मौसम मॉनसून में जो है आप देखिए इधर से जो है सनसेट पॉइंट, मंकी पॉइंट और हार्ट पॉइंट, आपको इधर से अगर जाना है तो आप इस तरफ जा सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आई लव माथेरान, देखिए सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर, फोटो क्लिक करवाने का यहाँ पर एक अलग ही अपना मजा। आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई, बारी बारी से अपना नंबर लगा रहे हैं फोटो क्लिक करने के लिए। तो देखिए ये यहाँ माथेरान से अमन लॉज तक देखिए इतने बस 2 किलोमीटर के ट्रैक पे अब टॉय ट्रेन जो है चलाई जा रही है, नीचे टॉय ट्रेन अब बंद कर दी गई है मेंटेनेंस के चलते, और अभी देखिए ट्रेन खड़ी है, ये अमन लॉज की तरफ जाएगी ये ट्रेन। और यहाँ पर आप ये व्यू देखिए, मौसम मानसून में इतनी तेज हवाएं चलती हैं तो इसलिए कोई मानसून में ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, ज़्यादा ऊपर वाले पॉइंट्स पे नहीं जाते, लेकिन फिलहाल अभी जितने भी पॉइंट्स माथेरान में हैं सब पे जो है सेफ्टी के लिए ग्रिल लगा दी गई है, क्योंकि पहले इस माथेरान को सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, इस वजह से जो है अब यहाँ पर ग्रिले हर पॉइंट पे ग्रिले लगा दी गई है सेफ्टी के पर्पज से। अब देखिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम आपको जो है पॉइंट्स कवर करेंगे, पॉइंट्स का क्या भी होता है, लेकिन फिलहाल मॉनसून में एक चीज़ की आपको दिक्कत रहेगी, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मॉनसून में यहाँ का प्लान बनाइए, क्योंकि मॉनसून में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, कंटिन्यू बारिश और मौसम जो है चेंज होता रहता है और आप कुछ देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो है पूरे टोटली बादलों से घिर जाते हैं। बाज़ार का आपको मैं ये व्यू दिखा रहा हूँ, ये माथेरान का बाज़ार है, और देखिए यहाँ से देखिए किस तरह सब टूरिस्टर यहाँ से घूम के जो है रिटर्न आ रहे हैं सारे। अभी आप देख रहे हैं माधवी जी पॉइंट आपको लेके हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरह के भी कुछ पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल भी खास नहीं है, तो मैं ऐसे पॉइंट्स आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। जो देखने लायक पॉइंट्स हैं, चलिए अभी आपको वीडियो में मैंने बताया जो मेन देखने वाले पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरे पॉइंट्स का मैप है, देखिए ये इतना बड़ा है कि आपको यहाँ पर अगर पूरा घूमना हो तो 3-4 दिन का आपको माथेरान में जो है स्टे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से घोड़े आपको 500 रुपये में मिलेगा, एक घंटे के लिए आपको घोड़ा मिलेगा 500 रुपये में। सबसे जो सनसेट पैनोरोमा सनसेट जो सबसे ऊंची हाइट पर है जो पॉइंट, मैं आपको एंड मर लेके चलूँगा। देखिए ये मैप देख लीजिए, यही पॉइंट्स हैं देखिए जो आपको देखने चाहिए, लिटिल पॉइंट, चौक पॉइंट, रामबक पॉइंट, अलेक्जेंडर पॉइंट, सनसेट पॉइंट, ये कुछ पॉइंट्स देखिए। सबसे डेंजरस लूसिया पॉइंट है, बहुत तेज़ हवा मानसून में चलती है। हनीमून पॉइंट भी देखिए उतना कुछ खास नहीं, लेकिन और चार्लोट लेक तो भाई आप ज़रूर देख रहे हैं, और पैनोरोमा पॉइंट सबसे डेंजरस पैनोरोमा पॉइंट है जिसका ट्रैक 2.5 किलोमीटर है। चलिए वीडियो के एंड में भाई हम यहाँ पर गए हैं और इतना ही तेज़ हवाएं थी आप मानेगी नहीं, ऐसा लग रहा था कि अभी हम उड़ने वाले हैं। चलिए अब आपको कुछ पॉइंट दिखाते हैं, इको पॉइंट और लूसिया पॉइंट की तरफ चलते हैं, अभी आपको हम 2 पॉइंट जो है ये कवर करके दिखाते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, देखिए यहाँ से भी आपको जो है घोड़े मिल जाएंगे, ये 300-400 रुपये में भी जो है ये घोड़े आपको 5-6 पॉइंट जो है घुमा देते हैं, लेकिन घोड़े के साथ भी आपको एक सावधानी बरतनी, क्योंकि कहीं कहीं ट्रैक पर गड्ढे हैं तो कहीं कहीं घोड़ा जो है वो उछल जाता है, इसलिए भाई बहुत सावधानी बरतिए।
देखिए किस तरह, देखिए सब जो है अभी देखिए पॉइंट्स देखकर रिटर्न आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भाई घूमने के लिए बहुत ही औसम जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, बजट के भी हिसाब से बहुत ही कम बजट में भी जो है आप माथेरान घूम सकते हैं। देखिए इको पॉइंट, भाई क्या व्यू है इस पॉइंट का, इको पॉइंट का। और यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ अभी फ़िलहाल मानसून में, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा अगर आपको अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स का व्यू लेना है तो आप मानसून सीज़न को जो है अवॉइड करिए, और अगर आपको ट्रैकिंग का मज़ा लेना है तो आप भाई मानसून सीज़न में आएँ। लेकिन आपके साथ ध्यान रहे छोटे बच्चे ना हो। ये देखिए ये पूरा जो है ग्रुप आया हुआ है, और देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, और आप बादल देखेंगे तो आपको चारों तरफ, ये देखिए मैं आपको ये पूरा व्यू दिखाता हूँ। देखिए कितनी रफ्तार में हवाएँ जो है 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मानसून में, और बादल देखिए आप कितना सुंदर दृश्य है। देखिए दूसरे ट्रैक की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप ट्रैक देख लीजिए कितने डेंजरस ट्रैक है, और आपको आगे पीछे कोई दिखेगा भी नहीं कि आप किसी से रास्ता पूछ सकें कि हमें किस तरफ जाना है। लेकिन आप खोएंगे नहीं, बेफिक्र रहिए, यहाँ पर रात रात में भी ट्रैकिंग करते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप ट्रैक देखिए यहाँ पर किस तरह जो है हवाएँ चलती हैं बहुत तेज़ मानसून के समय। ये देखिए घोड़े वाले भाई साहब हमारे कैमरे को देखकर हाई करने लग गए, क्योंकि और ऊपर की तरफ देखिए झरने, देखिए ये सारे झरने देखिए, इस तरह के आपको ऊपर झरने भी ट्रैक पे देखने को मिलेंगे जो सच में बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए इतनी तेज़ हवा, आपको मैं लेकर आ गया हूँ लूसिया पॉइंट पर भाई, सबसे औसम पॉइंट है लूसिया पॉइंट, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ का जो व्यू है भाई वो सच में बहुत ही शानदार है। अब देखिए आपको आगे लेकर चलते हैं, देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा पेड़ वेड़ टूटे पड़े हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं ऐसा लग रहा है भाई मानो अभी आप उड़ जाएंगे। चलिए आपको आगे की तरफ देखिए पूरा लूसिया पॉइंट का, देखिए मैं आपको ये पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए मैं आपसे इसीलिए कह रहा था मानसून में आने का एक नेगेटिव ये रहेगा कि आप जो है पॉइंट्स नहीं देख पाएंगे। देखिए चारों तरफ जो भी है सिर्फ क्लाउड्स ही क्लाउड्स है, बादल ही बादल है, जो व्यू पॉइंट है वो दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभार क्या होता है थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड्स के लिए बादल हटते हैं तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ पूरा जो है क्लाउड से ढका रहता है। ये देखिए कितनी तेज़ हवाएं हैं और क्या मौसम है यहाँ का, देखिए। अब दूसरा पॉइंट जो आपको लेकर आए हैं हम, ये जो है मलंग पॉइंट इसको कहा जाता है, मलंग पॉइंट से भी भाई जो भी है ये लूसिया पॉइंट के जस्ट बिल्कुल बगल में ही है, ज्यादा आगे नहीं, ज्यादा आगे नहीं, मलंग पॉइंट के नाम से इसको कहते हैं। और यहाँ से देखिए कुछ टाइम के लिए देखिए क्लाउड्स हटे और हम देखिए यहाँ से व्यू लेने लगे क्या, और आप क्लाउड्स की स्पीड देखिए बादल कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। भाई ग्रिल जरूर पकड़ के रखिएगा, हवा इतनी तेज है ऐसा लग रहा है भाई जैसे उड़ जाएंगे। और देखिए इधर से आप चाहें तो डायरेक्ट बाजार पथ और रेलवे स्टेशन की तरफ जो है एग्जिट ले सकते हैं, सीधा आप माथेरान रेलवे स्टेशन निकल जाएंगे। चले इस तरह देखिए पेड़ टूट के गिरे पड़े हैं, तो इस तरह का ट्रैक हो जाता है मानसून में इतना डेंजरस। आप भाई ये ट्रैक खुद ही देख सकते हैं किस तरह, देखिए इसलिए कहता हूँ देखिए जब भी ट्रैक पर मानसून के टाइम ट्रैकिंग करना है पूरी तैयारी के साथ आए। ये हम अभी फ़िलहाल चेरी पॉइंट के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन भाई ट्रैक देखकर हम लोग रिटर्न आ जाते हैं, क्योंकि इस पूरे ट्रैक पर देखिए किस तरह पेड़ वगैरह टूट कर गिरे हुए हैं, और ये अभी फ्रेश टूट के गिरे हैं क्योंकि अब मानसून के टाइम जो है हवाएँ बहुत तेज़ हैं। लेकिन मानसून में भी माथेरान घूमने का एक अपना अलग ही ट्रैकिंग का मज़ा है भाई, मज़ा आ गया मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन जब आप माथेरान विज़िट करेंगे ना, मैं कह रहा हूँ आपका दिल नहीं करेगा माथेरान से आने के लिए, इतनी खूबसूरत भाई मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, इतनी खूबसूरत जगह है। देखिए हनीमून पॉइंट अब यहाँ पे पड़ता है, हनीमून पॉइंट भी देखिए उतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन यहाँ से जो व्यू आता है वो सारी जो आपको चोटियाँ वो दिखाई देती हैं। यहाँ आपको हनीमून पॉइंट से भी जो है घोड़े मिल जाएंगे जो आपको 3-4 पॉइंट दिखाते हैं और 300-400 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। मुझे कह रहा मैं नकली निकल गया,
ये थक गया देखिए। और रिसोर्ट वगैरह रात में रुकने के लिए आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 1800 रुपये में 1200-1500 रुपये तक तो बढ़िया रिसोर्ट आपको जो है यहाँ पर स्टे करने के लिए मिल जाएगा बड़े आराम से। देखिए ये मेन बाजार है माथेरान का, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ भी आपको बढ़िया रिसोर्ट मिल जाएंगे अगर आप स्टे करना चाहते हैं। और थोड़ा ये देखिए, ये पहले माथेरान जब अंग्रेज़ों ने ये बनाया था तब ये रेलवे स्टेशन था, जो आज तक इसी तरह खंडहर पड़ा हुआ है। माथेरान जो रेलवे स्टेशन पुराना था वो तो अब नया बना दिया, लेकिन ये अंग्रेज़ों का टाइम का बनाया हुआ रेलवे स्टेशन है। और देखिए यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था क्या मौसम है इस समय मानसून में। और ये देखिए ट्रैक से देखिए कुछ टूरिस्टर जो है जा रहे हैं, देखिए आ भी रहे हैं कुछ, अब रिटर्न हो रहे हैं। और चलिए अभी मैं आपको एक सबसे डेंजरस पॉइंट दिखाने वाला हूँ, पैनोरोमा जो सनसेट पॉइंट है जहाँ से आप सनसेट देख सकते हैं। फिलहाल अभी मॉनसून में तो आपको सनसेट नहीं दिखाई देगा। देखिए पैनोरोमा पॉइंट भाई, और ये ट्रैक भी एक नंबर का है। देखिए कितना सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से देखिए इस ट्रैक को बनाया हुआ है। ये 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, बिल्कुल सीधा नॉन स्टॉप जो आपको सनसेट पॉइंट पर ले जाता है। लेकिन उस चोटी से ही आप 15 पॉइंट्स को देख सकते हैं। उस चोटी से आपको लुसिया पॉइंट, हनीमून पॉइंट और मलंग पॉइंट, कई तरह के जो पॉइंट्स हैं आपको इसी पॉइंट से दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर चोटी पर है। और देखिए और इस ट्रैक को भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए बनाया गया है। हर दोनों तरफ देखिए पत्थर लगे हुए हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर चोटी पे। अब मैं आ गया हूँ देखिए सनसेट पैनोरोमा पॉइंट पर। यहाँ पे हवा देख लीजिए, अब इतनी तेज़ हवाएं थी हम खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। देखिए आगे वो पॉइंट दिखाई दे रहा है, पूरा जो है क्लाउड से बादलों से घिरा हुआ है। लेकिन इसका भी जो एक्सपीरियंस लिया ना मैंने भाई, लाजवाब और गजब। देखिए थोड़ा आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ जो है बादलों के भवंडर भी बन रहे थे, इसीलिए हमें खुद बहुत ज़्यादा जो है इस वाले पॉइंट पे डर लग रहा था। और ये बहुत ही हाइट पर है, बहुत ही ऊंचा, देख सकते हैं आप बादल किस बादल। तरह देखिए क्लाउड्स किस तरह भवंडर बना रहे हैं गोल गोल। तो और हमारे आगे भी कोई था भी नहीं, सिर्फ हम ही थे जो इस पॉइंट को देखने यहाँ पर आए थे। अब हम जो है रिटर्न हो रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा अगर आप माथेरान का प्लान बना रहे हैं, और देखिए कुछ देर के लिए देखिए क्लाउड्स हटे तो आप व्यू देखिए यहाँ का, देखिए सारे पॉइंट्स और नीचे का सारे जो पॉइंट्स हैं क्लियर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बादलों ने जो है सब घेर लिया। अगर आप माथेरान आने का प्लान बना रहे हैं तो भाई सोचिए मत, निकल पड़िए, बजट में टूर है। मैं कह रहा हूँ आप शिमला मनाली एक बार को साइड कर देंगे अगर आप माथेरान एक बार घूम कर आएंगे। बहुत ही औसम जगह है, बहुत ही औसम प्लेस है, और बाय ट्रेन आप बहुत ही ईजिली जो है माथेरान पहुँच सकते हैं। कुछ पूछना हो तुरंत कॉमेंट करिए, प्लान बना रहे हैं तो निकल पड़िए माथेरान घूमने के लिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी।